हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बार चार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पे। आप जानते होंगे ट्रेडिंग व्यू में अगर हम बार चार्ट को रिप्ले करना चाहते हैं तो हमें इसका पेड प्लान लेना होता है। जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पर रिप्ले करूँ, अगर चार्ट को मैं रिप्ले करके आपको दिखाऊँ जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये हमसे पेड प्लान लेने को कहता है कि प्रो प्लान ले लीजिए और यहाँ पर हम बार चार्ट को रिप्ले करके नहीं देख सकते। लेकिन एक मैं वेबसाइट बताऊंगा जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बार चार्ट को रिप्ले कर पाओगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं बार चार्ट को रिप्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है और मैं यहाँ पर बार चार्ट को रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्पीड भी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं स्पीड आपकी बढ़ा के दिखाऊँ इसकी, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी और कितनी स्पीड से बार चार्ट हमारा रिप्ले हो रहा है। और स्पीड अगर मैं घटाना चाहता हूँ तो स्पीड मैं घटा भी सकता हूँ। देखिए मैंने स्पीड घटा दी है, अब एक एक कैंडल काफ़ी देर में बनेगी। थोड़ी सी स्पीड चलिए बढ़ाते हैं इसकी, तो थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी तो यहाँ पर देखिए बार चार्ट इस तरह से रिप्ले होने लगा। तो देखिए इस तरह से बार चार्ट को रिप्ले करके देख सकते हैं और किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो देखिए 15 मिनट के चार्ट को भी बार रिप्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बार चार्ट को हम रिप्ले कर सकते हैं और इसकी स्पीड जैसी इच्छा हो आपकी रिप्ले करने की, वैसी स्पीड में आप बार चार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो। तो ये एक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आने के लिए यहाँ पर अपने ब्राउज़र में गो चार्टिंग आपको टाइप करना है, गो चार्टिंग, और बस सर्च कर देना है। जैसे ही आप गो चार्टिंग यहाँ पर टाइप करके सर्च करते हो तो यहाँ पर इस तरह से पहली वेबसाइट गो चार्टिंग की आ जाएगी। इसको आपको क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पर वेबसाइट कुछ इस तरह की आपकी ओपन होगी गो चार्टिंग की। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपकी ब्राउज़र पर कोई ईमेल आईडी या जीमेल आईडी पहले से लॉगिन है तो उससे भी यहाँ पर देखिए साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पर अगर जीमेल आईडी आपकी पहले से कोई लगी हुई है ब्राउज़र पर तो यहाँ पर साइन इन विद गूगल पे क्लिक करिए और ईमेल आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होते ही यहाँ पर आपको सर्च बार मिलेगा नीचे के साइड में, यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर बस निफ्टी टाइप कीजिए। निफ्टी आपको जो भी ओपन करना हो वो टाइप करिए। चलिए हम निफ्टी ही टाइप करके, और यहाँ पर निफ्टी जैसे ही हमने टाइप करके सर्च किया और उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी ओपन हो चुका है। अगर आपको निफ्टी ओपन नहीं करना था तो यहाँ पर जहाँ पर निफ्टी लिखा है ऊपर की साइड में यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर मान लीजिए कोई और आपको स्टॉक ओपन करना था तो यहाँ पर मान लीजिए रिलायंस। जैसे ही देखिए मैंने रिलायंस टाइप किया तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर चार्ट बदल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में जो चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है कौन सा चार्ट चाहिए, साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टडी लिखा हुआ है इंडिकेटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए MACD चाहिए, MACD, और यहाँ पर MACD हमारा आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में MACD लग जाएगा इस तरह से। लेफ्ट साइड की तरफ ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर वाले पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें खुल गई हैं, लाइन या डालने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन डालने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर पैटर्न्स मिल जाते हैं, उसके अलावा गैन वगैरह अगर आपको कुछ लगाना है, फिबोनाची लगाना है तो देखिए फिबोनाची भी यहाँ पर फेवरेट में पड़ा हुआ है, इसको अगर आप फेवरेट में डालोगे तो यहीं पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, बाद में इसको आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब उसके बाद मेन चीज़ पे आ जाते हैं, हमें तो यहाँ पर बार रिप्ले करके आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए रिप्ले का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर की साइड में, जैसे ही रिप्ले पे क्लिक करोगे उसके बाद ये पूछेगा कहाँ से रिप्ले करना है। तो आप चार्ट यहाँ पर जहाँ से भी प्ले करना चाहते हो चार्ट को वहाँ पर ले जाइए, जहाँ से भी आपको प्ले करना है बस उस पर यहाँ पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं। यहाँ पर प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट हमारा इस तरह से प्ले होने शुरू हो जाएगा रिप्ले, ठीक है। अब रिप्ले होना शुरू हो गया है और यहाँ पर ऊपर की साइड में ये देखिए
ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन है, कितनी स्पीड में आपको प्ले करना है चार्ट को। अगर राइट साइड की तरफ करेंगे तो स्पीड कम होगी, लेफ्ट साइड की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी चार्ट प्ले होने की। देखिए जैसे ही लेफ्ट साइड की तरफ क्लिक किया तो यहाँ पर बार चार्ट रिप्ले होना, स्पीड इसकी बढ़ गई है। रोकना चाहता हूँ तो यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन है, इस तरह से रोक सकता हूँ और इसको हटा सकता हूँ। इस वेबसाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट पर लाइव डेटा देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। जो हमें डेटा मिलता है वो एक दिन पहले का मिलता है, उस एक दिन पहले वाले डेटा पर आप बार चार्ट रिप्ले करके इजीली देख पाओगे। और इसमें एक और चीज़ रह गई है, जैसे कि आपको दो चार्ट एक साथ प्ले करने थे तो यहाँ पर डबल चार्ट भी ओपन करने का ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया, एक अलग टाइम फ्रेम पे, या फिर अलग स्टॉक कोई ओपन करना था तो दो अलग अलग स्टॉक भी ओपन करके यहाँ पर प्ले कर सकते हो, ठीक है, बार चार्ट को। तो इस तरह से यहाँ पर बार चार्ट आप रिप्ले कर सकते हो। आई होप छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।